हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू डीएसटीसी। सो स्टूडेंट्स, ये एक क्विक वीडियो होगा फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द अपकमिंग बैचेस ऑफ कैप्सूल बैच फॉर नवंबर 18 अटेम्प्ट, एज वेल एज कैप्सूल बुक की एक अनाउंसमेंट करनी है आपसे। फॉर नवंबर 18 स्टूडेंट्स, वी हैव रिलीज्ड एक्सक्लूसिव एक नवंबर 18 के लिए, नॉट फॉर मे 19, ये नवंबर 18 के लिए एक्सक्लूसिव कैप्सूल की किताब ये मार्केट में अब रिलीज हो गई है। अब इसके कुछ क्विक फीचर्स आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये किताब में एडेड फीचर ये है कि न्यू कोर्स स्टूडेंट्स जो है वो भी ये किताब रेफ़र कर सकते हैं। जो उनको इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके कुछ नए टॉपिक्स हैं, वो नए टॉपिक्स इसके अंदर कैप्चर हमने कर दिया है। टॉपिक नंबर 28 एंड टॉपिक नंबर 29, ये जो टॉपिक हैं इसको हमने फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर न्यू कोर्स स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो नए टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। तो इस वजह से ये किताब दोनों ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स स्टूडेंट्स रेफर करें। ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स वो दो टॉपिक को उन्हें स्किप करना है, चैप्टर नंबर 28 एंड चैप्टर नंबर 29। अब स्टूडेंट्स जहाँ तक वो जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि लास्ट बैच लास्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट जो मई 18 में फर्स्ट अटेम्प्ट था नए कोर्स लोगों स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने बताया था कि वो कुछ एक दो टॉपिक जो है मॉड्यूल में वो उनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रीहेंडिंग की एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाहते हैं। ऑब्वियस बात है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टूडेंट्स ये एरिया ही अपने आप में एकदम यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, कि इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए स्टूडेंट्स हमने ये टॉपिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंप्लीफाई क्या किया है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो ये एक स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि भाई ये एग्जैक्टली टॉपिक है क्या, तो एटलीस्ट वहाँ तक तो ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, सो दैट यू कैन एटलीस्ट गेट अ होल्ड ऑफ कि कंटेंट क्या है ये। क्योंकि ये टॉपिक्स में से स्टूडेंट्स आपको कोई चीज़ बाय हार्ट करना नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैं ये भी मानता हूँ कि पेपर नंबर 6 जो है जो नए कोर्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत रिलेवेंट हो जाती है कि आप जनरल एग्जाम्पल से ये चीज़ टॉपिक नहीं समझ सकते, आपको रियल एग्जाम्पल से ही ये सारे टॉपिक्स को समझने पड़ेंगे। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट दीज टॉपिक्स आर ऑल अबाउट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ऑल अबाउट। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस किताब में ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स, न्यू कोर्स स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने सारे जितने भी सर्कुलर्स, केस लॉज, अब केस लॉज में एक बात था कि आईसीआर ने फरवरी 2018 में नए केस लॉज को उन्होंने कुछ 12 या 13 केस लॉज थे वो इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने वो सारे केस लॉज को क्या किया, कैप्चर किया है इन द रेलेवेंट टॉपिक इटसेल्फ। मतलब जैसे कंटेंट का फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में अल्टीमेटली हमने केस लॉज को वहाँ पे चिपका दिया है। तो क्या होता है कि एक लय बना रहता है, एक ग्रिप बनी रहती है, नहीं तो होता ये है कि पहले आप ये पढ़ते हो फिर बाद में आप वो पढ़ते हो, तो लिंक नहीं बनी रहती है। क्योंकि पूरा ये एक किताब में ही आपका केस लॉज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, अपडेट्स, कंटेंट्स, थियोरी, चार्ट्स, ये इसमें हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, सो दैट फॉर द एग्जामिनेशन अल्टीमेटली देयर इज वन मटेरियल टू रेफर एंड रिलाय अपॉन। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी हमने काफ़ी बल दिया है, मोर देन 200 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि हमने डुप्लीकेशन अवॉइड की है। जब मैं कहता हूँ डुप्लीकेशन अवॉइड करना, होता ये है कि स्टूडेंट्स की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल PGBP अगर हम देख लें, टॉपिक कितना वास्ट है, अब उसमें ये हो जाता है ना कि आप 4-5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रेफर करते हो, 40% कंटेंट तो सेम ही हो जाता है, क्योंकि कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं कि लगभग वो रिप्लेस, वो लगभग वैसे ही सेम अल्टीमेटली डिडक्शंस दूसरे क्वेश्चंस में भी पाए जाते हैं। सो वी हैव ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर डुप्लीकेशन इन आर पर्टिकुलर बुक। हमने इसके अलावा जैसे नवंबर 17 अटेम्प्ट में जैसे वो ICI मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रही थी, ICDS को मर्ज कर दिया था उन्होंने, केस लॉस मर्ज किया था, तो हमने भी क्या किया है स्टूडेंट्स को उस लेवल की ग्रिप देने के लिए, वी हैव डन दैट अप्रोच ऑफ मर्जिंग द ICDS इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मर्जिंग द केस लॉस इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और ये जो अप्रोच स्टूडेंट्स है ये अनपैरेलल्ड है, ये कोई भी मटेरियल्स में आपको नहीं मिलेगा, जो कि हमने एफर्ट डाल के ये पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक्स इसके अंदर तैयार किए हैं। सो यू विल रियली फाइंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन का जो हर लेवल है एक लेवल ऊपर है एज कम्पेयर टू एनी पर्टिकुलर मटेरियल्स दैट यू विल रेफर इट इन द मार्केट। अब आते हैं स्टूडेंट्स कैप्सूल बैच के लिए। कैप्सूल बैच स्टूडेंट्स ये सारे DSTC सेंटर्स एज वेल एज द टारगेट सेंटर्स में ये कैप्सूल बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई 2018।
अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 सेशंस होंगे स्टूडेंट्स, 30 सेशंस। तो ये 30 सेशन का ये एक कैप्सूल का प्रोग्राम है, तो यू विल रेफर दिस पर्टिकुलर 30 सेशंस, आप वहाँ पे अटेंड कर लें। तो उससे हमने फुल फ्लेजेड एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कवरेज देना है फॉर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स। और इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स वी हैव विल मेक अ फोकस एंडेवर रखेंगे कि प्रैक्टिकल लेवल पे ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। इंटरलिंकिंग किया जाए, क्योंकि आप दो अटेम्प्ट देखिएगा, नवंबर 17 और मई 18। नवंबर 17 का अटेम्प्ट ये बोलता है कि सारे कंटेम्प्रेरी एरियाज, नए एरियाज में से क्या है क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। मई 18 अटेम्प्ट में ये था कि टॉपिक्स लाइक कैपिटल गेन्स, IFOs, ये सब उड़ा दिया था। और हो ये रहा था कि जो क्वेश्चंस जब वो रेफर करते हैं तो वो 3-4 एरियाज को साथ में अटैक करते हैं। और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती है कि स्टूडेंट्स जब प्रिपेयर करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग एक एक कंसेप्ट को लेके, फिर वो कंसेप्ट को लेके कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनता है वो रेफर कर लेते हैं। बट इन द एग्जामिनेशन ऐसा होता नहीं है, और एग्जामिनेशन का जो अप्रोच है दैट डिमांड्स अ कंसोलिडेटेड अप्रोच। तो आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स टॉपिक्स को, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एप्लीकेशन करनी है। तो 3-4-5 एरियाज को साथ में लेके फिर आप अप्लाई करें, ये ही आपको एक तरीका हो सकता है टू गिव द कॉन्फिडेंस। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स जो थे, ऑल दोज हु हैव डन इट रियली वेल इन द एग्जामिनेशन, प्राइमरी वो एक ही चीज को रिलाय कर रहे थे कि इंटरलिंकिंग आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, कि आप कैसे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ के प्राइमरली यू विल बी इन अ पोजिशन टू क्रैक अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वी हैव मेड एन एंडेवर स्टूडेंट्स, और मेरा ये लेक्चर में भी जो अपकमिंग बैच जो आने वाला है, तो उसमें भी ये पूरे अल्टीमेटली यही फोकस होगा कि किस तरीके से एक डिसाइसिव अप्रोच के जरिए वी विल ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरी टॉपिक द मैनर इट शुड बी कवर्ड फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। स्टूडेंट्स इसके अंदर स्पेशल हम फोकस करेंगे ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन इस वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि समझ तो जाते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब तो पता ही है आप लोगों को क्या छुपा है आप लोगों से, isn't it? तो ऐसे केस में ये सिचुएशन देखते हुए वो जो लिमिटेड सेशन जो आपके साथ में बिताऊंगा उसमें प्राइमरी वी विल इंश्योर टू कवर अप दोज थिंग्स इन अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कि भाई प्रेजेंटेशन को भी साथ में जोड़ के चलेंगे, सो दैट एक तालमेल बना रहे, बैलेंस बना रहे, और आप में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कैप्सूल कोर्स जैसे अब तक होता आ रहा है एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बना रहे टू फेस द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बैच अनाउंसमेंट था जो कि मुझे करना था। दिस लेक्चर स्टूडेंट्स हमने इसको पेन ड्राइव पे भी हमने इसको लाया है, तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी अबाउट द लेक्चर्स एट द सेंटर्स, DSTC टारगेट सेंटर्स, और फॉर दी पेन ड्राइव इंक्वायरी, तो मैं आपको एक नंबर अल्टीमेटली दे रहा हूँ, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं तो आपको अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने सेंटर्स में जाके ये इंफॉर्मेशन ले लें, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े या पेन ड्राइव या D2H मोड में अगर आपको लेक्चर्स अपने यहाँ पे अवेलेबल करवाने के लिए अगर कुछ करना होगा, तो ये नंबर आपको मैंने दे रखा है। मेजरली जहाँ सेंटर्स नहीं है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स इसको D2H और पेन ड्राइव के मीडियम से ये लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स अब जो भी पेपर्स आप कर रहे हो, मेरा एक लास्ट एडवाइस है, आप प्लीज़ फोकस करें। आपके पास 8 पेपर्स हैं, प्लीज़ फोकस करें स्टूडेंट्स अब कंसोलिडेशन के लिए। अब टाइम चला जा गया है स्टूडेंट्स कि आप सिंगल सिंगल टॉपिक्स पे अपना फोकस बनाते हैं, ये अब वो टाइम नहीं रहा। यू हैव टू फोकस, ये सिर्फ मैं DT की बात नहीं कर रहा हूँ, DT के अलावा प्राइमरीली ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको फोकस करना होगा टू कंसोलिडेट द सब्जेक्ट्स नाउ। और उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ा एक अलग होता है, ये नॉर्मल प्रिपरेशन वाली बात नहीं होती है कि आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और फिर अचानक दिखता ये है कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाता है स्टूडेंट्स वो क्रैश होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए रेडी नहीं है कि कैसे 50% ऑफ सिलेबस को एक साथ अल्टीमेटली कैप्चर कर सके, उसको अल्टीमेटली मुट्ठी में रखें, वो लेवल पे उन्होंने उसका सोच रखा नहीं था। तो मेरा मानना यही है, क्योंकि CA फाइनल कोर्स ये थोड़ा एक वास्ट पर्टिकुलर एरिया है, इस वजह से आपका अप्रोच फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स इसी पे रहना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू कंसोलिडेट द टॉपिक्स। तो आप
कैसे रखे कि सिलेक्शंस बनाना चालू करे कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक में से ये एरियाज मुझे इसको रिवाइज करना होगा, तो जो सेकंड रिवीजन होगा तो अननेसेसरी वही चीज सारे चीज को वापस से रिवाइज करने के बजाय जो आपने एरिया पहले से सिलेक्ट कर लिया उसको आप एक फोकस्ड और इंटेंसिव तरीके से रिवीजन करें। तो वॉट एवर इट इट बी स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत पक्की बात है, फिनिशिंग ऑफ द रिविजन जो फिनिशिंग जॉब है ये ही डिसाइसिव है। और यहाँ पर ही आते आते स्टूडेंट्स लोग का अप्रोच चेंज हो जाता है, अननेसेसरली वो बहुत एरियाज को डुप्लीकेट करते हैं और जैसी तैयारी होनी चाहिए एग्जामिनेशन की वैसे बन नहीं पाती है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अब फोकस्ड रहें, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो भी अल्टीमेटली एरियाज में अननेसेसरली आपका टाइम जा रहा है वो सब चीज़ को कट डाउन करके अब पूरी तरह से लय में आ जाओ। इनिशियली तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करते रहो तो अल्टीमेटली डेफिनेटली इन 10-15 डेज यू विल बी अप टू द मार्क। फोकस इज द गेम नाउ स्टूडेंट्स, वो चीज़ अब वर्ल्ड कप भी तो खत्म हो रहा है इज़न्ट इट, तो अब सब चीज़ एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, अब बस आपका एग्जामिनेशन ही सामने है, तो अब और कुछ नहीं बस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के लिए ही अब तैयारी करें। फाइन स्टूडेंट्स, तो बस ये अनाउंसमेंट करनी थी आपके साथ, थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई इस कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी अल्टीमेटली परेशानी हो तो प्राइमरी आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू।